Hello everyone, how are you all? How are you doing? I do hope that you all are doing very very well. आज मैं फिर आपके सामने इंडियन इकोनॉमी की क्लास थर्ड लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ कहाँ से बिलोंग करते थे? एडम स्मिथ स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। स्कॉटलैंड या कई बार हमें यूके मिल जाता है, तो स्कॉटलैंड यूके से एडम स्मिथ बिलोंग करते थे। अब उनकी एक बुक आती है, बुक, एडम स्मिथ की बुक। बुक का नेम शायद कुछ को पता है, लेकिन मैं थोड़ी सी और डिटेल्स उस बुक के बारे में आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशन, बुक का नेम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति। अगर आप इसका ईयर लर्न करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 1776 में ये बुक पब्लिश हुई थी। अब ये बुक है किस बारे में? इस बुक के अंदर उन्होंने द कैनन ऑफ टैक्सेशन, द कैनन ऑफ टैक्सेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। द कैनन, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि कर के सिद्धांतों का वर्णन इस बुक में उन्होंने दिया हुआ है। तो बस आप ये याद रखिएगा कि वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ टैक्सेशन का वर्णन किया हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अब देखिए, कैनन ऑफ टैक्सेशन के अंदर आप अगर अपने नोट्स में राइट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, 4 टाइप्स ऑफ कैनन्स हैं, यानी सिद्धांत हैं। कैनन ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। सेकंड, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का सिद्धांत। थर्ड, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का सिद्धांत। और फोर्थ, कैनन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 कैनन्स या सिद्धांत उन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन किए हुए हैं। सबसे ज़रूरी बात बन जाती है कि ये बुक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या इसका जब मैंने आपके सामने पॉइंट रखा है तो क्यों उन्होंने इंस्पायर होकर के ये बुक लिखी थी। अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो उनको ये बुक लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये बुक लिखने की उनको इंस्पिरेशन मिली कौटिल्या से। कौटिल्या का नाम हमने सुना होगा, जो दुनिया के पहले अर्थशास्त्री माने जाते हैं। कौटिल्या, या उनको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। मैं उनके अलग अलग नाम बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशन में फेस करने को मिल सकते हैं। विष्णुगुप्त भी उनको बोला जाता है और उनको चाणक्य भी बोला जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर मंत्री हुआ करते थे। तो इनकी बुक से इंस्पायर, जो इनकी बुक थी, कौन सी बुक थी मैं बता देता हूँ, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नामक एक इनकी बुक थी। उससे इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने क्या लिखा? द वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इनको बोला जाता है, और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। अभी हम थोड़ी देर के अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कार्ल मार्क्स और उनकी एक बुक के बारे में भी आपके सामने मैंने पॉइंट रखा था। आई थिंक वो आपको क्लियर होगा। उनकी बुक कौन सी थी? दास कैपिटल, द बाइबल ऑफ कम्युनिज्म जिसको बोला जाता है। बस आप इतना ध्यान में रखिएगा, इनकी बुक थी दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल थी, और जिसको क्या बोला जाता है? बाइबल ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि
कम्युनिज्म जो जिस पर कम्युनिटी के रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट का आधिपत्य हो, अथॉरिटी हो, और वो गवर्नमेंट सबको कॉमन या इक्वल समझती हो, उसको कम्युनिज्म बोलते हैं। हिंदी में इसको साम्यवाद बोलते हैं। तो बाइबल ऑफ कम्युनिज्म किसको बोला जाता है? दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स ने ये बुक राइट किया था। अभी हम बात कर लेते हैं रैगनर फिश के बारे में। रैगनर फ्रिज के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें जानने को मिलती है कि ये इकोनॉमिक्स में फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, और इन्होंने जैसा कि आज के सिनारियों में, आज के टेक्स्ट में हम देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड हुआ, तो वो काम करने का जो श्रेय है वो रैगनर फ्रिज को जाता है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड था मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और सेकंड था समष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। अभी हम दोनों इकोनॉमिक्स की जो पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें माइक्रोस्कोप की तरह एक पॉइंट के बारे में, एक एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी कुछ भी आप कह लीजिए, इंडिविजुअल की स्टडी इसमें की जाती है। एक इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल कंज्यूमर होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्शन होगा, इंडिविजुअल मार्केट होगा, सब कुछ इंडिविजुअल होगा, कुछ भी एग्रीगेट या कलेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इनके अंदर हम अगर डिफ्रेंशिएट की बात करें, देखिए मैक्रो में जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, हम करेंगे इंडिविजुअल डिमांड, यानी एक व्यक्ति विशेष की मांग। अगर एक व्यक्ति विशेष की मांग है तो प्रोडक्शन भी उतना ही होगा और सप्लाई भी उतनी ही होगी। देखिए इंडिविजुअल प्रोडक्शन यानी कि व्यक्तिगत उत्पादन, उसके बाद में इंडिविजुअल सप्लाई होगी, यानी इंडिविजुअल जो है आपूर्ति की जाएगी, व्यक्तिगत आपूर्ति, इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल प्रोडक्शन होगा तो इंडिविजुअल कॉस्ट होगा, इंडिविजुअल रेवेन्यू होगा, इंडिविजुअल मार्केट होगा, इंडिविजुअल कॉस्ट, इंडिविजुअल रेवेन्यू, इंडिविजुअल मार्केट। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये पॉइंट क्लियर रखिएगा कि इंडिविजुअल के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात आती है तो इसमें कलेक्टिव या एग्रीगेट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ स्टडी करें तो यहाँ इंडिविजुअल था, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कलेक्टिव।
कलेक्टिव, या आपको एक वर्ड देखने को मिल सकता है एग्रीगेट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम कलेक्टिव को एग्रीगेट बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई रहेगा, एग्रीगेट प्रोडक्शन रहेगा, और अगर ऐसा होगा तो बजट आएगा। बजट आने के बाद में इकोनॉमिक्स की जो भी प्रॉब्लम है वो सारी हम इसमें स्टडी कर लेते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इसी के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, एट्सेट्रा, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर सारी समस्याओं का, सारे पॉइंट्स का अच्छे से अध्ययन किया जाता है। अब जो एक ज़रूरी बात रह जाती है वो आप देख लीजिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोला जाता है। इनके फादर जो हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किनको बोला जाता है, जे.एम. कीनिज। इनके फादर वो हैं जे.एम. कीनिज। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। कई बार मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इन पॉइंट्स को देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया में आई सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के बारे में। जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो आर्थिक मंदी को रिसेशन बोला जाता है। आर्थिक मंदी क्यों आई, कहाँ आई, उसके मेजर्स क्या थे उससे निपटने के लिए, उसे बाहर निकलने के लिए, और वो किसने सुझाए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है द ग्रेटेस्ट रिसेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मंदी कब आई, 1929 to 1936, ये पीरियड था। इस पीरियड के दौरान दुनिया को सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था। और ये कहाँ आई, जैसे एक पॉइंट हो तो, ये जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वहाँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके रिपरकशन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले। लेकिन जो कॉलोनियल स्टेट्स थे जैसे इंडिया, उस पर इस मंदी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। अब इस आर्थिक मंदी को स्टडी किसने किया, वो करने का श्रेय जे.एम. कीनिज को जाता है। तो इसका स्टडी किसने किया था, जे.एम. कीनिज। अब जे.एम. कीनिज ने इसके अध्ययन से एक बुक सामने रखी, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। उन्होंने एक बुक लिखा था, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी, इस टाइटल से उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करवाई। और इस बुक के अंदर उन्होंने किस बारे में बात की,
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आर्थिक मंदी के बारे में बात कर रहे थे तो आर्थिक मंदी से निपटने का तरीका उन्होंने अपनी तरफ से सुझाया वो ये था कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए या गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, उसको इंटरफेरेंस करना चाहिए। देखिए, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार को पैसा इकॉनमी में पंप करना चाहिए इन केस ऑफ रिसेशन, ताकि हम उस रिसेशन से बाहर आ सकें। तो ये तो था आपके सामने, दुनिया में आर्थिक मंदी कब आई, कहाँ इसका प्रभाव पड़ा वो मैंने बताया, उसके बाद में उसकी स्टडी किसने की, कौन सी बुक थी और उन्होंने क्या इसका वे आउट बताया, सल्यूशन बताया, वो हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं HDI के बारे में, जिसको SDI इंडेक्स भी बोलते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि महबूब उल हक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, महबूब उल हक, क्योंकि SDI इंडेक्स उन्हीं की देन है, इसीलिए उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। महबूब उल हक जो इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक जो कि एक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तानी थे ये। अब पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने क्या दिया था HDI, मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था 1990 में। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये इंडेक्स के अंदर क्राइटेरिया क्या था या इसके फैक्टर्स क्या थे, तो उन्होंने 3 फैक्टर्स सामने रखे। कितने फैक्टर्स सामने रखे? 3 फैक्टर्स। उन 3 फैक्टर्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में से पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन रेट की, या लिटरेसी रेट भी कई बार बोल दिया जाता है, साक्षरता दर क्या है, लिटरेसी रेट या एजुकेशन रेट। उसके बाद में हेल्थ फैसिलिटीज़ पर हम चलते हैं, यानी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं किसी देश में कैसी है, उससे HDI निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने रखा कि पर कैपिटा इनकम क्या है, अब प्रति व्यक्ति आयु क्या है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आयु के बारे में भी वो आय के बारे में भी वो बात करते हैं, प्रति व्यक्ति नॉट आयु बट आय, प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब ज़रूरी पॉइंट ये आ जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो एक तरह का रिपोर्ट है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। देखिए, रिलीज्ड बाय और पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूएनडीपी 1990 से ही ये एनुअल रिपोर्ट सामने रखता आ रहा है। ये कौन सी रिपोर्ट होती है? एनुअल रिपोर्ट, यानी वार्षिक रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है। जब से महबूब उल हक ने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI दिया है, उसी समय से ही UNDP HDI इंडेक्स पब्लिश करता आ रहा है। अब टोटल इसके अंदर कंट्रीज कितनी हैं, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम UNDP के HDI इंडेक्स में देखें तो टोटल 189 कंट्रीज हैं। टोटल कंट्रीज कितनी है? 189। अब 189 में अगर हम लास्ट या रिसेंट
2021-2022 की जो रिपोर्ट है वो येट टू बी पब्लिश्ड है, उसका डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब अगर हम 2019-2020 की रिपोर्ट देखें जो अभी तक की लेटेस्ट है, उसके हिसाब से नॉर्वे फर्स्ट है, नॉर्वे फर्स्ट प्लेस पर है। और जो इंडिया है वो 131 प्लेस पर है। तो 189 कंट्रीज में आप इंडिया की पोजीशन देखिए कौन सी है, 189। और अगर इसका पैरामीटर आपसे कोई पूछ ले तो इसका पैरामीटर रहेगा 0 to 1, यानी मापने का पैमाना, किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग कंट्रीज को उनकी पोजीशन दी जाती है या उनकी रैंकिंग्स दी जाती है। तो आप याद रखिएगा 0 to 1 है, नॉर्वे को 0.957 का रैंक मिला है, या उसको ये पैरामीटर मिला है उसके अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट रैंक मिला है। अब इंडिया का जो पैरामीटर क्या है, 0.645, ये तो इसका पैरामीटर आप, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा पैरामीटर किस पैमाने पर, यानी कि 0 to 1 का पैरामीटर होता है। तो ये अभी हमने बात की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी इसकी रिसेंट जो 2022 की जो रिपोर्ट है वो आनी पेंडिंग है, कंपोजिट रिपोर्ट आएगी 2021-2022 की जो अभी येट टू बी पब्लिश्ड है। लेकिन आगे हम चलते हैं और इंडिया के बारे में और बात करते हैं, क्योंकि इंडिया की SDI रैंकिंग तो काफ़ी ज़्यादा पुअर हमें दिखाई मिलती है। सॉरी, बाई मिस्टेक इट वॉज मैंसन 189, बाई मिस्टेक इट वॉज मैंसन 189, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 131 है, इंडिया की जो रैंकिंग है 131 है, क्योंकि टोटल कंट्रीज जो है वो 189 है, 0.645 इंडिया को पॉइंट्स या पैरामीटर के आधार पर 131 रैंकिंग दिया हुआ है, दैट वॉज बाई मिस्टेक। अभी हम बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के गोल्डन डेज के बारे में। देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 to 1990 तक इंडिया में एक छत्र राज चलता था स्पेशली इकोनॉमिक्स में, और वो था लाइसेंसी राज, यानी लाइसेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी, कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी कि आसानी से कोई भी जो प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसको नहीं लगाया जा सकता था। इसीलिए जो इकोनॉमी है वो पिछड़ती चली गई 1947 के बाद में। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है गोल्डन डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, गोल्डन डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का सुनहरा दिन कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सुनहरे दिन के बारे में अगर हम बात करें तो 24 जुलाई क्या रहेगा, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को हमारे इंडिया में गोल्डन डे ऑफ इंडियन इकोनॉमी के तौर पर जाना जाता है। अब देखिए इस दिन हुआ क्या था, मैं अगर आपको बताऊं 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम तो बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, जो अर्थशास्त्री रहे हैं और अर्थशास्त्री होने के साथ साथ में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी भी रहे हैं। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक पॉलिसी लाई गई, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या उसको हम LPG के नाम से भी जानते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और कई बार इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी आर्थिक सुधारों के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका श्रेय किसको जाता है? जैसे मैंने बताया उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट होती थी। तो उन्होंने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब जैसे मैंने एक बात बताई थी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी हम एलपीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्यों जब हम आगे बिल्कुल एडवांस लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो ये एलपीक्यू ही मिलेगा आपको। एलपीक्यू लाइसेंस परमिट कोटा, लाइसेंस परमिट कोटा। हमारे इकोनॉमिक्स में ये जो थ्री लेटर्स हैं उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, और कब से कब तक थे? 1947 टू 1990 तक, 1947 टू 1990 तक। यानी फिर बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, लाइसेंस परमिट कोटा। अब पब्लिक सेक्टर फर्म्स, गवर्नमेंट ने शुरुआत के अंदर पब्लिक सेक्टर फर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया। जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद में पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि मैं सारी सेक्टर के अंदर पैसा लगाऊं और उनको पब्लिक बनाऊं, जिससे लोगों का भला हो, गरीबी से हम लोगों को निजात दिलाने में सफलता प्राप्त करें। इस बारे में उन्होंने प्रयास किया। तो उस समय पब्लिक सेक्टर जो फर्म्स थी वो 17 हुआ करती थी, लेकिन आज के प्रिटेक्स्ट में अगर हम बात करें, संदर्भ में अगर हम बात करें, तो कितनी है? वो 2 बच करके रह गई है। कौन कौन सी है? एटॉमिक एनर्जी है, यानी एक तो आप कह सकते हो परमाणु ऊर्जा की जो फर्म है वो पब्लिक सेक्टर फर्म है, और दूसरा रेलवे ऑपरेशन है, रेलवेज ऑपरेशन। अब ऑपरेशन से आप समझिए, रेलवे को मैनेज कोई और कर रहा है, वो प्राइवेट हैंड्स में है, लेकिन रेलवेज का ऑपरेशन गवर्नमेंट कर रही है। ओनली रेलवेज का ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर में रह गया। इसके लिए मैं आपको बता भी देता हूँ, अपने इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट हुआ है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ज़रा सर्च कीजिए और मैं आपको एंड में बताता हूँ कि इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको प्राइवेट किया गया है। चलिए मैं आपका वेट नहीं करवाता हूँ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पहला दर्जा मिला है जिसको टोटली प्राइवेट कर दिया गया है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे, यहाँ तो एल का मीनिंग था लाइसेंस, यहाँ एल का मीनिंग है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, यानी लिबरलाइजेशन आप समझिए क्या है, लिबरल करना, लिबरेट करना, या हम लिबरल हो जाना, स्वतंत्र करना। स्वतंत्रता में क्या था? लाइसेंस जो सिस्टम था, यानी इकोनॉमिक की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, लाइसेंस सिस्टम वो जो पॉलिस्ट, लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, एक्सेप्ट 6 सेक्टर्स, केवल 6 सेक्टर छोड़े गए, बाकी सब में लाइसेंस जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको एबोलिश कर दिया गया। अब वो 6 सेक्टर कौन से थे ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट था लिकर, सेकंड टोबैको, थर्ड है केमिकल्स, फोर्थ है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स,
इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। फिफ्थ है डिफेंस, यानी लिबरलाइजेशन में सभी के लाइसेंस खत्म कर दिए गए, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके लाइसेंस रखे गए। और एक है मेडिसिन। तो बस ये आप छह जो सेक्टर हैं वो याद रखिएगा कि इन छह सेक्टर में लाइसेंस वाली जो प्रथा थी, जो सिस्टम था, उसको कायम रखा गया, बाकी सब में वो हटा दिया गया। जैसे हमारी इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में मोनोपोली एक वर्ड आता है। मोनोपोली का मीनिंग होता है एकाधिकार होना, एक छत्र राज होना। अब एक छत्र राज या जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी, एक कानून लाया गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एक कानून लाया गया था कि किस तरीके से हम एक छत्र राज होकर के कुछ एक सेक्टर में बिजनेस करने वाले हैं। इस बारे में तो हमारी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा प्रयास किए कि कोई दूसरा उसमें बिल्कुल भी पहुंच नहीं बना सके। तो देखिए आप राइट डाउन कर लीजिए, मोनोपोलीज। पहुंच बनाने का मीनिंग ये हुआ कि कुछ ऐसे सेक्टर अपने लिए रख लिए कि कोई दूसरा उसमें वो प्रोडक्शन वो ट्रेड कर ही ना सके। एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। देखिए हमारी पार्लियामेंट ने कानून बना दिया था कि इस क्षेत्र में केवल हम काम करने वाले हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये 1969 के अंदर बनाया गया। इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत एक कंपटीशन एक्ट लाया गया। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी, 1991 में। तो कंपटीशन एक्ट उसके बाद आता है, कंपटीशन एक्ट। और कब आता है, 2002 में आता है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसको रिप्लेस कर दिया गया। मैं ये राइट कर देता हूँ, रिप्लेस्ड विद, ताकि इसको, इस एक्ट को, इस कानून को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद हमारे सामने एक वर्ड आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अब अगर गवर्नमेंट, जैसे हाल फिलहाल में एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया गया, अब अगर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो क्या करेगी, वो बेच देगी, यानी उसके पास जो एसेट्स हैं उनको क्या कर देगी, बेच देगी। यानी क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगी। यानी उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ था वो चीज़ बेच करके वो वापस ले लेंगे, बैक ले लेंगे। और फिर होगा मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी मिनिमाइजेशन कम होगा, यानी कम हो जाएंगे वो पब्लिक सेक्टर। यानी गवर्नमेंट जो है वो इन जोखिमों से बचना चाह रही है, प्राइवेटाइजेशन करके मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी अपने जो पहुंच है सेक्टर्स तक या इंडस्ट्रीज तक वो कम बनाने की कोशिश कर रही है, उनको वो बेच रही है। और इसका रिसेंट एग्जांपल है अपना एयर इंडिया। उसके बाद एक एलपीजी में बसता है ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका मीनिंग है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व भर से हम व्यापार करें, पूरा विश्व हमसे व्यापार करे। पूरा विश्व हमसे व्यापार कब करेगा, जब हम जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा देंगे, रुकावटों को दूर कर देंगे, तब ग्लोबलाइजेशन आएगा। तो इसमें क्या होगा, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, बस इतना समझ लिए, हटा दिया जाएगा। उसके बाद में है एंटी डंपिंग टैक्स।
ये वैसे आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज क्लियर करने के बारे में क्लास है कि देखिए एंटी डंपिंग टैक्स क्या है, डंपिंग क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब मान लीजिए इसके बारे में मैं पहली इससे पहले की क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डंपिंग क्या है। इसका एक सबसे बड़ा दुनिया के सामने एग्जांपल है चाइना का, यानी चाइना ने ऐसी मार्केट स्ट्रेटेजी अपना रखी है जिससे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल तबाह कर देता है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर ला करके खड़ा कर देता है कि वो कोई कंपटीशन नहीं कर सकती है, उसको डंपिंग बोलते हैं। यानी चाइना के अंदर जो भी सामान बनाया जाता है उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती, लेकिन उसके दाम बहुत कम होते हैं। वो काम चलाऊ चीज़ होती है, लोगों को दाम या उसके प्राइसेस से अट्रैक्ट किया जाता है, और इससे जो घरेलू इंडस्ट्रीज है जो सेम प्रोडक्ट बना रही है उसको लॉस होता है और वो सस्टेन नहीं कर पाती। इसको बोलते हैं डंप करना, इसको डंपिंग करना बोलते हैं। इसके खिलाफ अगर हम या कोई गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहे तो कैसे ले सकती है, उस एक्शन को लेने के लिए एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाता है जिससे उसकी कीमतें हैं वो बढ़ जाती है टैक्स लगने के बाद में, और वो उस मार्केट पर उतना ज़्यादा फिर प्रभावशाली जो अपना बैड इफ़ेक्ट है वो नहीं दिखा पाता, तो इसको एंटी डंपिंग टैक्स बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और इनमें से बेहतर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक वृद्धि जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आर्थिक विकास जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी मात्रात्मक होता है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ये क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जाती है तो पैसे के बारे में बात की जाती है, पैसा कितना, और पैसा आएगा कहाँ से, इकोनॉमिक आउटपुट यानी कि आर्थिक जो प्रोडक्शन है अर्थव्यवस्था में वो कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है कोई देश, तो पर कैपिटा इनकम, इसमें सिर्फ पैसे की बात होगी, पर कैपिटा इनकम। उसके साथ साथ नेशनल इनकम या नेशनल वेल्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात की जाती है कि एक्सपोर्ट्स क्या होगा, इंपोर्ट कितना होगा, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन वहाँ बेसिक इंडिकेटर क्या होगा, बेसिक इंडिकेटर होगा SDI, यहाँ बेसिक इंडिकेटर क्या होगा, SDI, बेसिक इंडिकेटर रहेगा अपना SDI अभी हमने किया है जो महबूबुल हक ने दिया था, और SDI के अंदर हम एजुकेशन लेवल, हेल्थ फैसिलिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का स्टडी करते हैं, यानी SDI आप कह लीजिए एजुकेशन लेवल या एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट भी बोला जा सकता है। उसके बाद में हेल्थ फैसिलिटीज
और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है हमारा जैसे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यहाँ हालांकि हमने इंक्लूड किया था, अब उसके अंदर अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम का मीनिंग वहाँ हम लेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। क्या लेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। पर कैपिटा इनकम हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया, यहाँ बेसिक इंडिकेटर है एसटीआई, लेकिन यहाँ हम पर कैपिटा इनकम से डिसाइड कर पाएंगे कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। तो आप ये मान के चलिएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यहाँ पर यूज होगा, पर कैपिटा इनकम नहीं होगा जैसा एसटीआई में हमने किया था, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको मेंशन करना है। तो ये बात हमने की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम बस लास्ट पॉइंट रहेगा, 5 मिनट्स का टाइम और मैं आपका लेने वाला हूँ, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए ज़्यादा नहीं, बस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पता होना चाहिए कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और कौन से प्लेस पर स्टैंड करता है। देखिए आज यहाँ हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाओं को अगर हम डिवाइड करने चलें, देखिए पूरा एक चार्ट हम बना लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ मिलेगी। यहाँ हम लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस में बांटते हैं, हम सेक्टर्स में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड हम लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड लेते हैं टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और फोर्थ लेते हैं जिसके अंदर हम जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जिसको बोलते हैं क्वार्टनरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर। अब स्पेशलाइज सर्विसेज के बाद में एक और सेक्टर बच जाता है जिसको हम क्वार्टनरी सेक्टर बोलते हैं, जिसको हम क्वार्टनरी सेक्टर बोलते हैं, क्वार्टनरी सेक्टर। देखिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 5 सेक्टर में डिवाइड करके चलते हैं। बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में या किसी भी अर्थव्यवस्था में ये 3 सेक्टर इम्पोर्टेंट मानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्योंकि इनकी कंडीशन या यहाँ से क्या हमें आउटपुट मिल रहा है वो डिसाइड करेगा क्वार्टनरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर। यानी वो अपने आप में कुछ नहीं करेंगे, वो इस पर डिपेंड रहेंगे, इन सेक्टर्स पर डिपेंड रहेंगे। अब ज़रा देखिए प्राइमरी जो सेक्टर है उस पर कौन डिपेंड कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर, और ये दोनों सेक्टर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये टर्शियरी सेक्टर, यानी मिडल में आएगा। प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इन दोनों के बीच में आता है। देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या है, ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, इसमें माइनिंग, पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब कुछ आ जाता है। ओके, जो बेसिक एक्टिविटीज है ना, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इसका मीनिंग हुआ कि सारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है वो इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है, हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर से आउटपुट हमें मिलेगा उसका प्रोसेसिंग होगा, उसको यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है। टर्शियरी सेक्टर के अंदर हम सर्विसेज लेकर के आते हैं, यहाँ पर हम सर्विसेज लेकर के आते हैं। क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर जैसे मैंने बताया स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आती है, विशेष सेवाएं आती है। क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर हम
जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड ऑफिशियल्स आते हैं, अधिकारी गण आते हैं। ओके, तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो मूलभूत प्रकृति से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है, और प्रकृति से जुड़ा हुआ सेक्टर जो भी प्रोडक्शन करेगा वो सेकेंडरी सेक्टर में जा करके उस पर प्रोसेसिंग होगा, उससे जो बाजारी जितनी भी डिमांड है मार्केट के हिसाब से वो सारा प्रोडक्ट उसको बनाया जाएगा, उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। उसमें हेल्प कौन करेगा? टर्शरी सेक्टर करेगा। अब हम एक बात कर लेते हैं, देखिए मैं इसको अगर नंबर दूँ तो 1, 2 एंड 3, क्योंकि मैंने बताया कि एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सेक्टर ही इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3 यानी डिपेंड कर रहा है, 1, 2 ये है और 3rd ये है। यहाँ हालांकि हमने 3rd दिया, दोनों के बीच में यहाँ ये रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें तो 1st पर ये आ रहेगा, 2nd एंड 3rd ये ध्यान में रखिएगा। मैंने ये जो पॉइंट लिखे हैं वो किस पॉइंट के हिसाब से लिखे हैं? एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कौन सा सेक्टर कितना देगा और कौन से लेवल पर आएगा। अब रोजगार के बारे में जब हम बात करें तो देखिए मैं इसको रिवर्स करके चलता हूँ, सॉरी आई एम रिवर्सिंग इट। एम्प्लॉयमेंट के किस में रहेगा? हाईएस्ट इसमें रहेगा। मैं इनकम के बारे में बात कर रहा था, हाईएस्ट इसमें रहेगा। हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, सॉरी इंडस्ट्रीज का जो सेक्टर है वो यहाँ रहेगा और ये नंबर 3rd पर रहेगा। लेकिन इनकम के बारे में अगर हम बात कर लें, इनकम के बारे में अगर हम बात कर लें तो वो देखिए इनकम, इनकम नंबर 3rd पर यह रहेगा, जो कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर में एक्सप्लेन करके चल रहा था कि इनकम आय सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पर हमें प्राइमरी सेक्टर में मिलेगी, सेकेंडरी सेक्टर में नंबर 2 पर रहेगा और टर्शरी सेक्टर नंबर 1 रहेगा। यानी आय के मामले में, इनकम के मामले में देखिए, इनकम के मामले में ये इस तरीके से चलेगा, एम्प्लॉयमेंट के मामले में ये इस तरीके से चलेगा। तो ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हुए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, पीसी कल्चर या हॉर्टिकल्चर, इसमें लगे हुए होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, इनकम उनकी सबसे कम होती है। सेकेंडरी सेक्टर में भी कर्मचारी प्रोडक्शन में काफ़ी सारे लगे हुए होते हैं, लेकिन उनकी इनकम जो होती है वो सेकेंडरी स्टेज पर ही आती है। टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज में वो लोग, पढ़े लिखे लोग लगे रहते हैं जो सेवाएं देते हैं, वो 3rd एम्प्लॉयमेंट में 3rd नंबर पर आते हैं, लेकिन इनकम के अंदर क्या आते हैं? वो नंबर 1 पर आते हैं। कोटनरी सेक्टर के अंदर विशेष तरह की सेवाएं दी जाती है। अब विशेष तरह की सेवाएं कौन सी दी जाती है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी की योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, हमें खोज करना है, अनुसंधान करना है, विकास करना है, ये सब किसका पार्ट हो जाता है? ये अपना स्पेशलाइज्ड सेक्टर का पार्ट हो जाता है जो स्पेशल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।